सब कुछ हो रहा है। एनआरसी में मसला है, डी वोटर है, बाढ़ के मसला है, इसके बाद लोगों के घर को तोड़ फोड़ कर बल्डोजर लगा कर ये तोड़ा जा रहा है, मदरसों को भी तोड़ा जा रहा है। आसाम का जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा, उसको विश्वास मत करो, वो आसाम में मदरसा को बुलडोजर चला के तोड़ फोड़ कर रहा है। आसाम का जो हमारा पिक्चर है वो बहुत ही बर्बाद करने वाला एक कानून है CAA। स्पेशली मुस्लिम लोगों को टारगेट करके ही वहाँ पे एक से एक के बाद एक इश्यूज आ रहे हैं। आसाम के जो माइनॉरिटी लोग हैं उन लोगों को तानाशाही करने का, उन लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है, उन लोगों को अत्याचार किया जा रहा है। हिंदू कम्युनिटी मेजोरिटी जो लोग है, 80% हिंदू लोग हमारे साथ है। हमारे धर्म ने कहते ला इकराहा फिद्दीन, जिनमें कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई नहीं करता है, ये झूठ है, सरासर गलत है। आसाम में इस वक्त CAA को लेकर और NRC को लेकर क्या हालात हैं? आपने दिल्ली में तो प्रदर्शन देखे ही होंगे, जब लागू करने की बात की गई तो सैकड़ों और हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं और उनके साथ साथ गैर मुस्लिम महिलाएं भी सड़कों पर उतरी और NRC CAA NPR का खुलकर विरोध किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहाँ से ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ, आखिर वहाँ आप क्या हालात हैं? मेरे साथ इस वक्त जो लोग मौजूद हैं वो असम से हैं। आपसे नाम जानना चाहेंगे, सबसे पहले क्या नाम है? मैं जमीतुलमा के नाजिम, सुबह जमीतुलमा आसाम के नाजिम, मेरा नाम कलीमुद्दीन है। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप जमीतुलमा से हैं। अब ये पहले सबसे पहले बताइए कि इस वक्त क्या हो रहा है आसाम में? ये तो सवाल नहीं है, सवाल यह है असम में क्या नहीं हो रहा है, यही सवाल है। अच्छा, हर चीज़ हो रहा है, हाँ, सब कुछ हो रहा है। NRC में मसला है, डी वोटर है, बाढ़ के मसला है, इसके बाद लोगों के घर को तोड़ फोड़ कर बल्डोजर लगा कर ये तोड़ा जा रहा है, मदरसों को भी तोड़ा जा रहा है। आसाम के रहने वाले अकलियत को यानी माइनॉरिटी को मशकूक शहरी करार दिया जा रहा है, ऐसे काफ़ी सारे मसाइल है। और CAA तो है ही है, ये आसाम का हमारा जो हमारा पिक्चर है वो बहुत ही बर्बाद करने वाला एक कानून है CAA। इसलिए हम जमीयतुल्लमा ने CAA के खिलाफ किया और इसके बाद NRC से लेकर आज तक बाढ़ के मसला तो कम, जमीयतुल्लमा ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा को खटखटाया और कानून पहलू से हमने जितने सारे वकील हैं, हमारे वकला है, इन लोगों से बातचीत की, तो आज तक सुप्रीम कोर्ट से जो मिली है वो बहुत काबिल तारीफ है और बहुत मुबारकबाद है सुप्रीम कोर्ट को। इस वक्त NRC के बारे में हमने कानूनी जो जद्दोजहद है वो भी खुशी जारी है। आज भी हम आसाम के वो जितने सारे लोग हैं, मुसीबत ज़्यादा लोग हैं, सिर्फ माइनॉरिटी नहीं है, अगर इस मुसीबत में कोई मेजॉरिटी का लोग है उसके पास हम खड़े हैं जमीयतुल्लमा। ठीक, मैं आपके पास आता हूँ, एक सवाल आपसे लेना है मुझे। जो इस वक्त के हालात हैं, आप लोगों ने अभी एक सिंपोजियम भी इस मुद्दे को लेकर रखा है, तो क्या आप लोग चाहते क्या हैं, आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, पहला बात है आसाम का जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा, उसको विश्वास मत करो। अच्छा, और दिल्ली पे आके कुछ बोल रहा है, ये एक्चुअली ये सच बात नहीं, ये गलत बात है। सच क्या है? सच यही है, वो आसाम में मदरसा को बुलडोजर चला के तोड़ फोड़ कर रहा है। आसाम में जो लैंडलेस पीपल है, जो सरकारी ज़मीन पर रह रहा है, उन लोगों को ज़मीन से हटा दे के उसे बेघर कर रहा है, वो लैंडलेस पीपल को लैंड नहीं दे रहा है। लेकिन कहा जा रहा है अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब शांत। यही तो बात है, इसलिए तो दिल्ली आया, इसलिए दिल्ली आने का बात तो यही इलादा यही है ना। आसाम के मुख्यमंत्री जो आसाम से आके दिल्ली जो बोल रहा है, ये सच बात नहीं है, उसको विश्वास मत करो, ये बहुत झूठा आदमी है। तो बात यही है कि आसाम के जो माइनॉरिटी लोग हैं उन लोगों को तानाशाही करने का, उन लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है, उन लोगों को अत्याचार किया जा रहा है, उन लोगों को जो राइट है राइट नहीं मिल रहा है। तो हम कह रहा है कि आसाम के जो माइनॉरिटी लोग हैं उन लोगों को शिक्षा देना चाहिए, उन लोगों को क्या डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहिए। ये कौन कह रहा है? हिमंत बिस्व शर्मा कह रहा है। आज आपके जरिए हिमंत बिस्व शर्मा को बोल रहा हो और देश के प्रधानमंत्री को बोल रहा हो, अगर मुस्लिम लोग, अगर माइनॉरिटी लोगों को शिक्षा देना है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, तो उन लोगों को लिए एक स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी लाना चाहिए, उस लोगों का एक स्पेशल स्टेटस भी देना चाहिए, तब ये लोग डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक,
एक चीज़ बताइए कि महिलाओं पर इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक बात कही जाती है कि महिलाएं ज़्यादा सक्षम नहीं रहती हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स जमा कर पाएँ, उनको सेव कर पाएँ मर्दों के मुकाबले में। जी जी, अब देखिए फ़िलहाल आसाम में जो NRC का इशू आया, आप लोगों को पता चला कि उस वक्त ज़्यादातर महिला लोगों के ऊपर ही ज़्यादा कष्ट हुआ कि महिला लोगों को डॉक्यूमेंट्स को लेके स्पेशली हेरेसमेंट हुआ, उन लोगों का सरनेम लेके वो भी हेरेसमेंट हुआ। और वहाँ पे जिस तरीके से NRC का मुद्दे को लेके वो हम सुप्रीम कोर्ट तक आ गए आपको मालूम पड़ा, और महिला लोग ज़्यादा तरफ हेरेस हो रहे थे। और फिलहाल अब अगर आसाम के और भी इश्यूज़ देखेंगे कि बुलडोज़र का जो इशू चल रहा है वहाँ पे रातों रात मतलब मदरसा पे अटैक हुआ, और जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे स्पेशली उन लोगों को मतलब हेरेसमेंट हुआ उन लोगों की, और विदाउट लीगल नोटिस इविक्शन हो रहा है वहाँ पे। तो ये सब मुद्दे आसाम में ही मतलब उस एरिया में ही है, उस इश्यूज़ को नेशनल लेवल पे लाके आप लोगों को मतलब बताने के लिए ही हम इधर आए हैं दिल्ली में। और इसलिए हम जंतर मंतर में परसों एक प्रोटेस्ट रखा था, और आज यहाँ पे नेशनल लेवल पे ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सिंपोजियम हमने अरेंजमेंट किया। तो और क्या कहकर तोड़ा जा रहा है वहाँ? देखिए मद्रासों को जो बोल रहे हैं ये लोग, जो BJP सरकार है आसाम में हिमंत बिश्व शर्मा के, इन लोगों ने अगर आप देखेंगे लास्ट में जो भी हुआ इविक्शन और जो भी हुआ है मतलब स्पेशली मुस्लिम लोगों को टारगेट करके ही वहाँ पे एक से एक के बाद एक इश्यूज आ रहे हैं। मतलब तो मुस्लिम लोगों को अटैक कर रहे हैं, और आप देखेंगे इविक्शन के बारे में वो भी मतलब यही टारगेट लेके कि मुस्लिम लोग जहाँ पे है वहाँ पे ही हो रहा है, और विदाउट लीगल नोटिस। ये अगर आप अच्छे से देखेंगे तो लीगली जो नोटिस देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, और वो भारतीय लोग हैं उन लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो Article 21 है वो वायलेशन हो रहा है, चिल्ड्रेन का जो चिल्ड्रेन है स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का जो शिक्षा का अधिकार है वहाँ पे भी वायलेशन कर रहे हैं सरकार ने। तो हम वही बात मतलब जो भी मुद्दे हो रहा है आसाम में इविक्शन को लेके और NRC का इश्यूज़ है, जितने भी इश्यूज़ है मतलब सब पे अगर आप देखेंगे गौर करके तो स्पेशली माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक हो रहा है, स्पेशली मुस्लिम लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है। तो उस एरियाज़ में मतलब आसाम के मानचित्र में वहाँ इस एरिया में मतलब नहीं रखना चाहिए, मुद्दा नेशनल लेवल तक लेने के लिए हम इधर आए हैं कि आप लोगों को पता चले कि आसाम में क्या हो रहा है। ये सब चीज़ें जो हम लोगों तक पहुंच रही हैं वहाँ से, कुछ लोग ये चीज़ें बताते हैं कि भाई वहाँ अब सब कुछ ठीक है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कुछ एक दो वीडियोस जो आ जाते हैं सामने कि कहीं मदरसा तोड़ दिया गया, तो असल हालात ये हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार कार्रवाई हो रही है, आप ये कह रही हैं? जी जी, लगातार एक के बाद एक कार्रवाई हो रहा है, और यहाँ पे नेशनल लेवल पे स्पेशली हमने लास्ट वक्त देखा है कि आसाम के CM यहाँ आके इंटरव्यू नेशनल मीडिया पे इंटरव्यू दे के बोला है कि नहीं आसाम में सब ठीक है। मतलब तो असलियत में होता है कि नेशनल लेवल का मीडिया वहाँ पे जाना चाहिए, और रूट लेवल पे जो हो रहा है ना उस मुद्दा को आप लोग जाने से आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो उस वहाँ का जो रियलिटी है वो बाहर में फोकस नहीं आ रहे। जी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि असम में इस वक्त के जो हालात हैं वो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, और जो चीज़ दिखाई जा रही है, तस्वीर जो बताई जा रही है कि सब कुछ बेहतर है असम में, हालात ख़राब नहीं है, तो ऐसा है क्या है फिर? देखिए आसाम का हालात तो ख़राब है ही, मीडिया कुछ और दिखाते हैं, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, पत्तलचाल पत्रिका, ये तो दिखाते हैं कि बेरोजगारी भी नहीं है। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि जो हालात फेस हो रहे हैं आसाम के, इन लोगों के साथ जो 2000 जो NRC CA जो लाया है, एक तरफ कहते हैं कि हम नागरिकता देने की बात करते हैं, तो एक तरफ आप 6 साल में नागरिकता दे रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी को, और उसके बाद एक तरफ 11 साल में देख रहे हैं, तो हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन है कि आप एक वोट एक इक्वल राइट होता है, तो फिर नागरिकता दोहरी सदस्यता क्यों है? तो हम यही कह रहे हैं कि जो उन लोगों ने फेस कर रहा है प्रॉब्लम वो लोगों तक पहुंचे, और आसाम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा दिल्ली में आके बोलते हैं कि कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपना फेस चमकाना चाहते हैं, लोकल मुद्दे से वाकिफ नहीं है, या है तो चाहते हैं कि फूट डालो शासन करो, ये नहीं चलेगा दोहरी। ठीक है, आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा मैं, क्या जमीयत इसमें कदम जो उठा रही है उनसे कुछ फ़ायदे आपको मिल रहे हैं? और जैसा बताया जा रहा है कि असम में कुछ भी ठीक नहीं है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार कार्रवाई है, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, तो क्या ये सब सच है? देखिए मैं पहले छोटे 3 बातें कहूँगा। नंबर एक,
नेशनल मीडिया, कुछ मीडिया ऐसे कहते हैं और यहाँ आकर कुछ आसाम के ऑर्गेनाइजर्स आकर बताते हैं कि भुसबेड़ियों आ रहे हैं बांग्लादेश से आसाम में, आए हैं और हमेशा आना जारी है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है, 1% सही नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, हमारे सीएम साहब, हमारे तो सीएम साहब है ना, हमारे स्टेट का ये हमारे सीएम साहब है, हाँ मुख्यमंत्री है, हम बहुत इज्जत ही से ये कहेंगे कि इनका डिपार्टमेंट ने कहा कि ये इलीगली जो है बुनियाद है मदरसा का जिसको तोड़ा गया, डिपार्टमेंट कह रहे हैं। और मुख्यमंत्री साहब, चीफ मिनिस्टर साहब बता रहे कि ये दहशतगर्द का दफ्तर है। ये दोनों, एक मुख्यमंत्री इनका ये डिपार्टमेंट एक बात और चीफ मिनिस्टर साहब का दूसरी बात। तो मैं आप लोगों से माध्यम से यह कहूँगा कि हिंदुस्तान वाले ये सही देखिए, आप लोग चीफ मिनिस्टर सही है या इनका डिपार्टमेंट सही है, हम कुछ नहीं कहेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब जो बात बोल रहे हैं या कुछ लोग बोल रहे हैं जो कुछ नहीं हो रहा है, अगर कुछ नहीं हो रहा है ये बात अगर सही होता तो हम इधर क्यों आते और हम मुकदमा क्यों लड़ते, हम क्यों सुप्रीम कोर्ट में जाते, हम क्यों चीज देते, हम क्यों शोर बचाते हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब जब इनके इजाज़त से ये काम हो रहा है तो क्या वो बताएंगे कि यह नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए कि मदरसों में ही आतंकवाद का अड्डा क्यों नज़र आता है? अच्छा ये बहुत ज़रूरी एक सवाल आपने किया है, मदरसे में कहाँ आतंकवादी है? एक आतंकवादी आज तक ये साबित नहीं हो पाया कि मदरसा में ये आतंकवादी है। साबित करना कोर्ट का काम है, पकड़ना पुलिस का काम है। पुलिस ने पकड़ दिया क्या इसका मतलब है ये मुलजिम है, ये आतंकवादी है? कोर्ट तो बताना पड़ेगा ना ये मुजरिम है या नहीं है। आज तक किसी कोर्ट ने बताया है? देखा सकेंगे आप? तो फिर कहाँ है आतंकवादी? ये तो एक अफवाह है। हाँ ठीक है, फिर भी हम अपील करते हैं, अगर है ऐसा हम भी साथ है, हुकूमत के साथ है, हम भी सरकार के साथ रहेंगे, पकड़ो इन लोगों को और फांसी के फंदे पर चढ़ा दो अगर ऐसा है। आतंकवादी को हम सपोर्ट नहीं करते हैं जमीयत उलमा, हमारा डिमांड है इसको जेल में बैठा कर क्यों खिला रहे भाई चावल रोटी, अगर सही है तो उसको फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन सिर्फ मुसलमान पर ही क्यों निशाना? हाँ तो यही तो बात है, असल बात तो यही है, जब वो लोग कहते हैं तो मुसलमान नहीं कहते हैं, लेकिन अमल जब करते हैं तो मुसलमानों पर होते हैं। इसलिए मैं पूरे हिंदुस्तान के जितने सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं और हमारे दस्तूर असासी पर विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, इन लोगों से हमारा अपील है कि भाई देखो हमारे ऊपर क्या जुल्म हो रहा है या नहीं, अगर जुल्म हो रहा है तो आप लोग हमारे साथ आवाज़ उठाइए, अगर जुल्म नहीं है तो हम खामोश बैठेंगे, क्या करेंगे, हम तो मजलूम हैं। तो क्या हिंदू कम्युनिटी जो है, हिंदू समुदाय के लोग जो हैं वो आप लोगों के साथ नहीं हैं, आपका साथ नहीं देते? बिल्कुल, हिंदू कम्युनिटी मेजॉरिटी जो लोग हैं, 80% हिंदू लोग हमारे साथ हैं, मैं तो ये दावा करूँगा, दावी के साथ करूँगा। कौन से हिंदू हैं वो जो आपके साथ नहीं ये है? तो कुछ लोग ऐसा रहता है, कुछ मीडिया रहते हैं, हुकूमत के कुछ अगर ना इस सरकार का एक MLA है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक MLA है, किसने कहा कि रोहिंग्या जैसे हालात के ऐसा करना चाहिए, एक ने कहा और एक ने, एक MLA जो तो साबिक MLA तो वो हमेशा MLA रहते हुए अभी भी कह रहे हैं कि 80 लाख मुसलमान ये बांग्लादेशी है, और कुछ जब एबेक्शन होते हैं तो कहते हैं ये मशकूक शहरी है, ये सिटीजन हमारे नहीं है, ऐसा कह रहे हुए। तो कौन कह रहा है? ये तो सरकार के लोग कह रहे हैं ना, ये क्या दस्तूरी बात है? और सरकार जब कहते हैं तो जो लोग हमें ये दस्तूरी बात कहने वाले हैं वो तो डरते हैं, खामोश बढ़ जाते हैं, क्या करेंगे, लेकिन अफसोस करते हैं। लेकिन फिर क्यों जमीयत उलमा एक्सेप्ट करती है कि आइए मदरसों में और सर्वे कीजिए हमारे मदरसों का? हमारे तो मदरसा के दरवाज़ा तो 24 घंटा खुला हुआ है भाई, कोई तो फिर कुछ ना कुछ आके ढूंढ ही लेंगे। हाँ नहीं, आ जाइए, कोई बात नहीं है, ये हमारा यकीन है कि आ जाइए, हमारे है ही नहीं तो क्या ढूंढेंगे भाई, आओ बंद करेंगे तो शौक होगा, आ जाओ ना, देखो हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, यह फ़कीरों का मदरसा है, यहाँ तालीम और तरबियत तो इंसानियत का होता है, यह क्या क्या मिलेंगे, बंदूक कौन चला सकते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं? ये मदरसा वाले जो पढ़ते हैं वो तो नमाज़ पढ़ते हैं, सूरा पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, वो लोग अच्छे तरह से दौड़ नहीं पाते हैं, वो लोग क्या आतंकवादी होंगे? लेकिन कहा जाता है कि आप लोग जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं, लोगों को जबरन इस्लाम की तरफ लाते हैं, मदरसे आतंकवाद की तालीम देते हैं, एक मिसाल पेश कीजिए कि जबरन क्या है, एक मिसाल, मैं दो नहीं कहूँगा, एक मिसाल पेश कीजिए कि जबरन क्या है, एक मिसाल, और मैं आप लोगों के ज़रिए से जो लोग कहते हैं इन लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ, एक मिसाल
पेश करिए कि जबरन धर्म पेश किए। हमारे धर्म ने कहते हैं ला इकराह फी दीन, जिन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई नहीं करता है, ये झूठ है, सरासर गलत है। अगर कोई कहे, दावी करे कि जबरन इस्लाम, तो मैं चैलेंज करता हूँ एक मिसाल पेश करें। अच्छा, अभी कुछ हेट स्पीच के मामले सामने आए थे, मैं दो बातें आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर में, इंटरव्यू ख़त्म करेंगे उसके बाद। ये बताइए, एक तो दिल्ली में कहा गया कि भाई मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जाए, बीजेपी के नेता ने कहा, मौजूदा जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के पद पर बैठे हुए हैं उन्होंने कहा दिलशाद गार्डन में, आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाए, काटा जाए, मारा जाए, पीटा जाए, कोई कार्रवाई नहीं होती। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्या उन्होंने जो कहा वो सही है? और दूसरी बात एक ये जानना चाहता हूँ आपसे कि कुछ लोग ये नारा लगाते हैं गुस्ताख़े नबी की एक सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, क्या ये सही है? ये दोनों बातें के खिलाफ हैं हम। अच्छा, एक बात ये है कि जो वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को बहिष्कार किया जाए, वो तो खुद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, हो सकता है इनके पार्टी का है, पर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये क्या हो रहा है? इनका खिलाफ है, कार्रवाई तो प्राइम मिनिस्टर साहब करना चाहिए, लेकिन वो तो खामोश है। हाँ, वो तो खामोश है, हम अपील किया है, खामोश है। जब ये तो ये कहते हैं ना, ये खामोशी भी सपोर्ट के बराबर है। हाँ, है ना, मौनम सन्मति लोकनम, यही हो रहा है। और दूसरी बात यह, कोई कहे कि गुस्ताख़े रसूल के ये काट दो, सिर काट दो, वो करो, इसका हम सपोर्ट नहीं करते। क्या होना चाहिए कि ये हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक थे कि एक औरत ने इनको तकलीफ पहुंचाई, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तीन दिन हो गए वो औरत नहीं तकलीफ पहुंचा रहे, तो पूछा है कि वो औरत कहाँ है, जो वो बीमार पड़े हुए, वो घर में जाकर पहले जो आवाज़ दिया हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहा, फरमाया कि माँ आपका क्या तकलीफ है, दवा की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, क्या हो गया आपको बताओ। ये हमारा ये अखलाक है, ये हमारे पैगंबर का अखलाक है। क्या होना चाहिए फिर ऐसे लोगों के साथ जो मुसलमानों को काटने मारने की बात करते हैं, या जो मुसलमान ये कहते हैं कि सरतन से जुदा कर दिया जाए, दोनों के साथ क्या होना चाहिए? नहीं, हम ये कहते हैं, मुसलमान जो ये लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं, ये आग को पानी से बुझाया जाता है, आग को आग से नहीं। अच्छा। कोई हमारे ख़िलाफ़ ये कहते हैं, हमारे पैगंबर के ख़िलाफ़ ये, तो नादान है, नहीं जानते। हम अच्छी और बेहतर ज़ुबान से इन लोगों को समझाएंगे और प्यार और मोहब्बत की दीवार को हम कायम करेंगे, प्यार और मोहब्बत की दीवार को तोड़ने नहीं देंगे, यही हमारा काम है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त जो लोग हमारे साथ मौजूद थे, आपने देखा उनका साफ तौर पर कहना है कि इस वक्त आसाम में जो बातें कही जा रही हैं नेशनल मीडिया के ज़रिए कि असम के हालात ठीक हैं, असम में कुछ नहीं हो रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिखाने की तस्वीर है। दरअसल असल तस्वीर ये है कि असम में लगातार प्रक्रिया जारी है और उसी के साथ मदरसों पर भी बुलडोज़र चल रहा है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।